आज के इस आर्टिकल में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपकी परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि चाइना और भारत के बीच सीमा को लेकर किस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर भी पूरी बात करेंगे कब क्या हुआ। एक बात और याद रखिए, आप सभी को मालूम है कि कहा जाता है जो 21वीं शताब्दी है ये चीन और भारत, खासकर चीन और भारत की सदी कहा जाता है। वैसे तो एशिया की बुरी सदी कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत और चीन के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप जानते हैं पहले नंबर पर चाइना है जनसंख्या में और दूसरे नंबर पर इंडिया यानी कि भारत है हमारा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती है उनके पास एक तरह से मौका होता है आगे बढ़ने का, क्योंकि उनका बाजार घर ही है एक तरह से। आप देखते थे एक समय चाइना चाइना का अच्छा मित्र हुआ करता था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को बाजार की जरूरत थी और आप जानते हैं चाइना में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। मान लीजिए कोई आप उत्पादन व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ करेंगे, ऐसी जगह करेंगे जहां व्यक्ति रहते हों या किसी जंगल में करने लगेंगे। कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, बिस्कुट बना रहे हैं या कोई भी, तो आप कहाँ, जहां वहां तलाशेंगे जहां बाजार हो आपके लिए, मार्केट हो। तो अभी आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मांग, या इंडिया की देख लीजिए, आप देखते हैं कोई भी देश इंडिया से संबंध बनाना चाहता है, चाइना से बनाना चाहता है, क्योंकि सोच इसलिए क्योंकि उन्हें बाजार मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो ये हाल है। और एक बार आप लोग मैप्स में जरूर देख लीजिए, ये हमारा प्यारा इंडिया, ये श्रीलंका हो गया, ये म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये है चीन, क्या है चाइना। एक याद रखिए, चाइना के बारे में पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों की सीमा चाइना से हमारी लगती है, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहे हैं। तो देखेंगे आप लोग लद्दाख, उसके बाद आप चलेंगे तो लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, उसके बाद आपको मिलेगा देखने को सिक्किम, ये है सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। आप देखेंगे कि चाइना का एक तरह का रवैया वैसा है, एक समय आप देखते थे कि जो अंग्रेजों का हुआ करता था, विस्तारवादी नीति, यानी कि जितना हड़प सकूं तो हड़पो, समझ रहे हैं आप लोग। अभी आप देखेंगे कि चाइना की जितने भी देशों के साथ सीमा लगती है उन सब के साथ विवाद छिड़ा हुआ है, कोई उसका ऐसा मित्र नहीं है जिससे सीमा विवाद ना चल रहा हो। एक बार आप लोग यहां देखिए, अब आप कहिए कि देखिए यहां चाइना की सीमा नहीं लगती है अरुणाचल की, यहां नहीं लगती है, यहां नहीं है, देखिए बीच में बता दिया उसने कि सांगतेंग जो अभ्यारण है, वन्यजीव अभ्यारण, ये मेरा है, यहां मेरी जगह है। एक बार आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि कल पाकिस्तान आके कह दे कि यहाँ मध्य प्रदेश में मेरी जगह है, मध्य प्रदेश मेरा है, तो आप सोचिए कि सीमा ही नहीं लगती है पर भी एक तरह से बोल दे हमारा, इस तरह का बात करने लगी, तो यहां जाकर उसने क्लेम कर दिया कि हमारा है ये क्षेत्र। इसलिए कर दिया क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जो अरुणाचल प्रदेश है पूरा, इसे वो कहता है कि हमारा है, भारत का नहीं है। एक 1914 में मैकमोहन रेखा लाइन, मैकमोहन लाइन भी कहते हैं आप लोग, इसे खींचा गया था भारत और तिब्बत के बीच, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और तिब्बत चाइना के कब्जे में नहीं था, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत, चाइना कहता है कि ये अंग्रेजों की समय की लाइन रेखा है, मैं इसे नहीं मानता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास भी आप देखते हैं डोकलाम रीजन, कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि यहाँ भी विवाद छिड़ा हुआ था, यही सिक्किम चाइना भूटान ट्री जंक्शन है, कहने का मतलब यहाँ मिलता है सिक्किम भी यानी कि भारत का हिस्सा भी और चाइना भी और भूटान भी, यही आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप अभी करंट की बात करें तो यह है पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील, यह है आपकी लद्दाख में, अभी यहां विवाद चल रहा हुआ है।
अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हाल में ही आपने देखा है कि 118 एप्स पर फिर से बैन लगा दिया गया है। पहले आपने देखा 59, फिर 47, फिर 118 भारत सरकार ने। इस बार आपने देखा है पबजी, आप लोग यूज भी करते थे, काफी लोग खेलते भी थे गेम को, तो इसे भी बैन कर दिया गया है क्योंकि आपने देखा है बहुत बुरी तरह से, एक तरह से इसे ही तो शीत युद्ध कह देते हैं कि दो देशों के बीच डायरेक्ट युद्ध ना होकर इस तरह का व्यापारी युद्ध या उसके सामानों पर ड्यूटी लगा देना। अमेरिका के बीच में भी आप देख रहे हैं, अमेरिका चाइना, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ पॉइंट पर बात करते हूँ और आगे। 21वीं शताब्दी को चीन और भारत की सदी के रूप में समाहित किया गया है। हालांकि दोनों देशों की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीयता के पालन के साथ संघर्ष में बदल दी जाती है। इसके अलावा हाल ही में हुआ गलवान घाटी संघर्ष या फिर निर्माणाधीन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है, में चीन की आक्रामक रणनीति भारत के लिए एक प्रमुख नीतिगत चुनौती रही है। जैसा कि आप भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के सामने अब एक बड़ी चुनौती यह है कि उसे स्वयं के उदय को सुनिश्चित करते हुए अधिक शक्तिशाली पड़ोसी का प्रबंधन करना है। हालांकि अंतरराष्ट्रीयता हमेशा भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है। चीन के संबंध में अधिक यथार्थवादी विदेश नीति की हमें आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक बात आप लोगों को बता दूं, हम लोग चाइना, अगर चाइना हम एक जानते हैं आप लोग कि भारत भारत चाइना ले लीजिए, वो बाकी एशिया को ले लीजिए, आप लोग एशिया को, पूरे एशिया को सबसे ज्यादा देखेंगे कि यही जनसंख्या है, समझ रहे हैं आप लोग, एशिया के पूरे क्षेत्र में। तो हम लोग अगर एक हो जाए तो आप समझिए कि अभी आप लॉकडाउन के टाइम ही ले लीजिए, लॉकडाउन के टाइम आपने देखा है विदेशी व्यापार पूरी तरह से रोक दिए गए थे, और आपने कई बार देखा है कि आने जाने में कभी आप बरसात, मौसम खराब है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देखते हैं कि व्यापार में गिरावट आती है। यहाँ अगर हमारे पड़ोसियों से संबंध सही रहे, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, और यहीं से आप देख सकते हैं हमने चाबहार पोर्ट का निर्माण किया हुआ है, कहाँ, ईरान में। क्यों किया है? क्योंकि हमारे चाइना और पाकिस्तान से संबंध ठीक नहीं है, इसलिए हमें यहाँ अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इस क्षेत्र में अपनी पहुंच पहुंच बढ़ाने के लिए या पहुंचने के लिए हमने चाबहार पोर्ट का निर्माण किया है ईरान में। इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारे पाकिस्तान और चाइना से संबंध अच्छे होते, और आप सोचिए कि आराम से व्यापार हो सकता है यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जाते हुए, अगर विवाद ना हो एक दूसरे की सीमा को लेकर, ठीक है। और आज जो आप देख रहे हैं कि नेपाल भी आजकल कुछ उठ चढ़ के बोलने लगा है, पाकिस्तान को देख सकते हैं, बांग्लादेश में काफी एक तरह से आप कहिए कि चीन परियोजनाएं चला रहा है तो वो भी झुकता हुआ दिखाई देता है। श्रीलंका को आप देखते हैं कि श्रीलंका में भी जो नई सरकार आई है वो एक तरह से चाइना की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही रहता है। तो ये हालत है, और हकीकत यही है कि अगर दोनों मिल जाए तो आप सोचिए अमेरिका को भी टक्कर दे सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा शक्तिशाली। एक समय कहा करते थे कि अगर अमेरिका को छींक आ जाएगी, आती है, तो दुनिया को सर्दी हो जाती थी, लेकिन अब आपने देखा है किस तरह से उसने घुटने टेके। फिर चाइना का मामला हो या फिर आप लोग अफगानिस्तान में आतंकी मामले हो, ईरान का मामला हो, फिर WHO का मामला हो, देखा आपने WHO में जैसे ही हटा पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका, तुरंत चाइना ने कुंडली मार के वहां बैठ गया। फिर चाहे आप कहीं भी देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, तो बेहतर हो सकता है अगर ऐसा हो जाए, काश। लोप साइडेड आर्थिक व्यापार, भारत में चीन के साथ अधिक व्यापार करने की वकालत ने अब इसकी एक तरफा स्थिति को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया है। व्यापार घाटी में अधिकता के कारण भारत ने चीनी वस्तुओं पर निर्भरता विकसित की है। इस तथ्य को देखते हुए भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से हाथ खींच लिया, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय वाणिज्य हितों और चीन के नेतृत्व वाली एशियाई आर्थिक क्षेत्रवाद के बीच विरोधाभास था। एक बात और आप लोग जानते हैं कि हमारी व्यापार की जो निर्भरता है चीन पर, हम लोग ज्यादा निर्भर हैं,
एक तरह से निर्भर कहने का मतलब व्यापार घाटा है हमारा। व्यापार कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर व्यापार से आप 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं चाइना से, तो उसे हम लोग 10 रुपये का सामान बेच रहे हैं, यानी कि आप कह देते हैं कि 90 रुपये का हमें घाटा है। ठीक है, तो ये भी देखा जा रहा है। आप कहीं दूर छोड़िए, आप जो मोबाइल चलाते हैं उसमें भी तो आप देखते हैं कि सुनते भी रहते होंगे कि जो आप कि इंडिया में 4 फोन बिकते हैं तो उनमें से 3 कंपनी किसकी रहती है, चाइनीज। बाकी क्षेत्रों में यही स्थिति है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चीन का विस्तारवादी। चीन का विस्तारवाद, चीन अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए एक अतार्किक शक्ति या फिर विस्तारवादी शक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। चीन लंबे समय से भारतीय सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी खंड के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए इच्छुक है। BRI परियोजना के माध्यम से चीन का उद्देश्य अपने पड़ोस और संपूर्ण एशिया यूरोप में भू राजनीतिक रूप से हावी होना है। तो एक तरह से सोचिए कि महाशक्ति बनना उसका मेन उद्देश्य हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद चाइना GDP के मामले में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, विस्तारवादी की नीति बात करें आपसे तो आप देखेंगे कि हमसे ही विवाद नहीं चल रहा है, चाइना का हमसे ही विवाद नहीं चल रहा है। यहां आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, देखिए यहाँ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी दक्षिण चीन सागर को लेकर कुछ इलाकों पर इंडोनेशिया का अधिकार है, लेकिन चीन क्या कहता है कि हमारा पूरा अधिकार है। सिंगापुर, आप यहीं देखेंगे सिंगापुर है, सिंगापुर के साथ भी आप देखेंगे चीन का विवाद दक्षिण चीन सागर को लेकर है। मलेशिया के साथ भी आप देखेंगे, मलेशिया के साथ भी आप देखेंगे कि सीमा विवाद है कि दक्षिण चीन सागर को लेकर। कजाकिस्तान, ऊपर आप कजाकिस्तान देखेंगे, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सबसे विवाद है इसका। अफगानिस्तान से देख लीजिए, रूस से देख लीजिए, ठीक है, जापान से भी आप देख सकते हैं, दक्षिण कोरिया से भी देख सकते हैं, मंगोलिया से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से आप कहिए फिलीपींस, कंबोडिया, भारत से भी आप देखते हैं। तो एक तरह से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी देश से इसकी सीमा लगती हो उससे मुझे लगता है कि इसका विवाद, सीमा को लेकर विवाद ना चल रहा हो। हर जगह ये अपनी एक तरह से विस्तार करने की सोच रहा है, और आप सोचेंगे आप दूसरे विस्तार करेंगे तो दूसरे की सीमा में पहुंच जाएंगे और उसे अपना बताएंगे, तो आप सब सोचिए कि विवाद खड़ा हो जाएगा। वही हाल है कि आपके गांव में कहीं किसी पड़ोसी की आपकी जगह है और उसके खेत से 10 या 13 14 लोगों के खेतों की सीमा लगती है, तो वो क्या कह दे कि हमारी सीमा इसके खेत में भी है, हमारी सीमा इसके खेत में तक है, और वो सभी के खेतों में थोड़ा थोड़ा क्लेम करने लगे। तो वही हाल है चाइना का आज। चीन का बढ़ता प्रभाव, शीत युद्ध के बाद भारत ने एशियनिज्म को फिर से अपनाया जब उसने लुक ईस्ट नीति का समर्थन किया, और तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के नेतृत्व में एशियाई क्षेत्रीय संस्थानों में शामिल हो गया। पूर्वी एशिया में आर्थिक क्षेत्रवाद की खोज और वैश्विक बहुध्रुवीयता के जोर से चीन के तेजी से आर्थिक और राजनीतिक परिणाम को गंभीर रूप से कम करके आंका था। चीन स्टिंग्स ऑफ पर्ल और CPEC के माध्यम से भारत पर दबाव बना रहा है। एक तरह से आप कहिए कि भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा है कि जैसे ही हम लोगों ने ईरान में हम लोग कई परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, लेकिन आपने देखा है कि वो अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं ईरान पर, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि चाहे यहाँ परियोजनाओं पर काम करना थोड़ा धीमा कर दिया या बंद कर दिया। तो वहां आपने देखा है कि चाइना वहां जाकर उनमें समझौता कर लिया, उन परियोजनाओं को में हिस्सा ले लिया एक तरह से। तो वो कहीं मौका नहीं छोड़ता है कि भारत को पीछा देख मतलब नीचा दिखाने की, कहीं भी उसे जहां भी मौका मिलता है वो अपना पैर जमा लेता है। नेपाल, एक समय आप देखते थे कि नेपाल हमारी ऊपर पूरी तरह से निर्भर हुआ करता था, आज वो भी चाइना की भाषा बोलने लगा है, ये देखा जा रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हमें अपनी विदेश नीति में झांक लेना चाहिए और बदलाव कर लेनी चाहिए। वैश्विक संस्थानों की प्रभावहीनता,
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की चाह रखने वाले वैश्विक संस्थानों के निर्माण में उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को अब बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रेग्जिट गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रणनीतिक समन्वय में गिरावट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। एक बात और आपको यहाँ बता दूं कि आप देखिए जितने भी यूएन हो गया, फिर चाहे आपका कोई भी डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों ने बात भी की हुई है, आपका सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए सभी संगठनों को पढ़ाया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी, सूची बनी हुई है महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप देखते हैं कि WHO का कार्य है कि सभी को स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना, देखभाल करना, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो इस तरह में अपने कामों में सक्सेस नहीं हो रहा है। तो आपने देखा है अमेरिका वहां से हट गया है, तो आप समझिए कि जहां से इस तरह से कोई भी अगर संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए या किसी भी तरह की मदद के लिए बनाया जाता है, उसकी बातों को हर देश नहीं मानेगा तो उसके भी कामों पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप सोचिए, भारत अपनी बात रखेगा, चाइना अपनी बात रखेगा, और एक दूसरे अगर उस जो भी वो संगठन है निर्णय देता है अगर उसे कोई मानता नहीं है तो इस पे आप एक तरह से टेंशन बन सकती है। अब जैसे आप सोचिए कोरोना वैक्सीन आने वाली है, ठीक है, अब चाइना उत्पादन कर रहा है या चाइना ने या रूस, किसी भी देश को ले लीजिए आप, तो वो किसी देश की ना माने, यानी कि WHO की बातें ना माने, वो कह रहे हमें महंगी से महंगी बेचनी है, तो आप सोचिए कि एक तरह से WHO के कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। WHO ने यही कहा है कि सबको वैक्सीन मतलब सस्ती दर पर मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई अगर देश एक इसके बना लेता है वैक्सीन को तो वो तो कहेगा कि हमें तो करोड़ों में बेचना है, तो आप सोचिए हर व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। किस लिए बनाया गया था WHO कि सब तक सहूलियत से आराम से वैक्सीन या कोई भी सुविधा पहुंचे, फिर उसका काम ही नहीं रहेगा, आप समझिए अगर इस तरह की व्यवस्था हो गई तो। भारत की यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय नीति की बात करें तो यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय नीति के चीन के संदर्भ में यह अर्थ होगा कि भारत को चीन के उदय और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के अंतराल के उद्देश्य आकलन करना चाहिए, इसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय स्थापित की परिकल्पना भी की जानी चाहिए ताकि शक्ति और क्षेत्रीय शांति के मध्य साम्यता बनाई जा सके। इसके अनुसरण में भारतीय विदेश नीति की पहल पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। पश्चिम देशों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाना, भारत पहले से ही US का नजदीक सहयोगी रहा है और कई यूरोपीय देशों के साथ उसके रणनीतिक संबंध है। चीन को हिंद महासागर तक पहुंचने से रोकने के लिए भारत को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के बीच सामरिक अभिसरण की आवश्यकता है ताकि इंडो पैसिफिक रणनीति तैयार की जा सके और चीन की सैन्य और आर्थिक शक्ति को संतुलित किया जा सके। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को भी समान विचारधारा वाले देशों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा G7 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विस्तार और भारत को शामिल करने का प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मामलों में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होगा। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो लोग खुश होते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, अमेरिका एक तरह से उस मतलबी दोस्त की तरह होता है कि मतलब निकलने के बाद आपको छोड़ सकता है, मतलब होने पर वो आपकी दुश्मन से भी हाथ मिला सकता है। एक समय आपने देखा है ना, 1971 का युद्ध देख लीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसमें आपने देखा है कि चाइना पाकिस्तान और अमेरिका एक थे, एक तरह से इन दोनों चाइना और अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, हमारा देश मित्र था रूस। लेकिन देखिए, हो सकता है कि अमेरिका को चाइना से कुछ लेना देना पड़ जाए या मतलब निकलने लगे तो वो उससे भी दोस्ती कर सकता है। अभी उसका इतना मतलब निकल रहा है कि अगर चीन को आगे बढ़ने से रोकना है तो क्या करना होगा, भारत को साथ लेना होगा और भारत की मदद से हो सकता है। एक बात और कर सकते हैं हम लोग, देखिए अब हमें दिमाग चलना होगा, बड़े उससे सोचना होगा। आप तिब्बत के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामले में उठा सकते हैं चीन पर दबाव डालने के लिए। देखिए व्यापार से आप सोचें कि अगर चाइना दब जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि व्यापार, आपने मैंने बोला ना, व्यापार अगर हम पूरी तरह से बंद कर देते चाइना से तो
एक तरह से घाटा हमें ही होगा, क्योंकि हमें नुकसान होगा, हम ही उस पर ज्यादा निर्भर है। तो हमें देखना होगा कि ताइवान का मुद्दा उठाना चाहिए, हांगकांग का मुद्दा उठाना चाहिए, ये सभी, ये दक्षिण चीन सागर का मुद्दा उठाना चाहिए, हमें एक तरह से इन पर चाइना को घेरना चाहिए इस तरह के मुद्दों पर, समझ रहे हैं आप लोग? तब हमें लगता है कि चाइना कंट्रोल में आएगा, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, और चाइना को आग भी लगती है अगर इस पर कोई बोले तो ये हाल है। हार्ड पावर को मजबूत बनाना, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स डिवीजनों को मजबूत करने और एक थिएटर कमांड स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। राजनयिक आक्रामक रवैया अपनाना, भारत को चीन की आक्रामक नीतियों और रणनीतियों के विपरीत अपने शांतिपूर्ण इरादों को उजागर करने की आवश्यकता है। भारत द्वारा अपनाए गए तकनीकी सहायता कार्यक्रम न केवल भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच एक स्थायी संबंध प्रदान करते हैं, इसके अतिरिक्त ये चीनी सहायता से भी निरपेक्ष है। पड़ोस पहले की नीति, भारत को अपने पड़ोसी देशों से जैसे नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम जैसे सहयोगियों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो पश्चिम के साथ संबंधों को मजबूत करने के पक्षधर नहीं है। एशिया के छोटे देशों को लगातार अपने आंतरिक मामलों में चीन के आक्रामक हस्तक्षेप का सामना करते हैं, उन्हें भारत से अधिक समर्थन नहीं मिला है, इसलिए उन्हें भारत का अधिक सहयोग मिलना चाहिए। एक बात और, हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखनी होगी, हमें ना किसी देश के प्रभाव में आकर हमें काम नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, चाइना और ईरान का समझौता इसलिए हुआ है मात्र क्योंकि हमने वहां अमेरिका के दबाव में आकर सभी परियोजनाओं को रोक दिया है जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण थी। तो आप सोचिए कि वही हाल है कि आपके गांव में कोई भी समझौता करने के लिए आता है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त के प्रभाव में आकर कहेंगे कि हमें उससे पूछना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि आपसे व्यापार नहीं करेगा कोई। देखिए, हमेशा व्यापारी कोई भी देश चाहेगा कि उसके यहाँ जो भी काम चल रहा है, परियोजनाएं चल रहा है, वो देश करे जो जल्दी कर दे और जो किसी के दबाव में आकर काम ना करे। तो चाइना को आप देखते हैं, चाइना किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता है। भारत को इस पर भी बात करनी होगी, विचार करना होगा, ठीक है? क्योंकि हम किसी भी देश के प्रभाव में आकर अपने काम रोक देते हैं, इससे हमारे उस देश से भी एक तरह से रिश्ते खराब होते हैं। यही तो रूस में देखा गया, हमने देखा कि रूस मतलब हमारा इतना अच्छा दोस्त हुआ करता था, आज हमसे वो हटता जा रहा है, चाइना और पाकिस्तान की ओर झुकता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका की तरफ कुछ ज्यादा झुक रहे हैं, समझ रहे हैं? और अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं तो आप सोचिए कि जो दुश्मन होगा, क्योंकि रूस का दुश्मन अमेरिका है, तो वो इसलिए थोड़ा बुरा मानता है। आत्मनिर्भर बनना, भारत को अधिक भुगतान करने वाली नौकरियां, प्रौद्योगिकी और तकनीकी के साथ ही निर्यात और निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे भारत को चीनी आयात से अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता है। नौकरियों की तो आप हाल देख ही रहे हैं, अभी कल ही परसों आप लोगों ने कितना अच्छे से स्ट्राइक किया हुआ है। इस तरह से देखिए, एक बार से आप सोचिए, एसएससी की काफी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, रिजल्ट की भी बात होने लगी है। तो आप, मुझे लगता है कि देखिए, एक होकर करना पड़ेगा। अभी देखा है कि कई लोग इससे बाहर भी रहे हैं, तो आपने शायद अन्ना हजारे का एक बात सुना होगा कि ये सरकार आंदोलनों से नहीं डरती है, ये सरकार अपनी सरकार गिनने से डरती है, समझ रहे हैं आप लोग? ये हाल है। और याद रखिए, ये नई सरकारों की छोड़िए, इंदिरा गांधी को भी आपने देखा होगा, जेपी आंदोलन ने नीचे फेंक दिया था गद्दी से, समझ आए? तो आप लोग, ये नेता मतलब आप सोचिए, कभी भी ना सोचें कि छात्र आंदोलन या किसी आंदोलन से कुछ दबा देंगे, क्योंकि जब आपने देखा है अंग्रेजों के समय भी तो देखा है आपने, 1857 में आपने छोटी सी क्रांति हुई, उसे आपने दबा दिया एक तरह से, लेकिन 1947 तक आते आते आप खुद जान गए कि कोई नहीं दबा पाया, जो चिंगारी लगी थी वो एक तरह आग की तरह फैल गई थी। तो ये भी देखने को मिलता है। और याद सोचिए कि वही हाल है कि आप भिखारी को भीख दे रहे हैं, तो आप भूख से मर रहे हैं, और जो भीख मांग रहा है वो अमीरों की तरह जिंदगी जी रहा है, राजाओं की तरह, यानी कि हम वोट दे रहे हैं जैसे, तो वोटर तो आप सोच रहे हैं कि भूख से मर रहा है, परेशानी से झेल रहा है,
और जो जिसे दे रहे हैं हम लोग वो प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। किसी ने अभी कमेंट देख रहा था मैं कल ही परसों, किसी ने सही कहा है कि देश में अगर चुनाव होते हैं तो 24 घंटे में उसके रिजल्ट मतलब अनाउंस हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है ज्यादा उसमें, एक डेट दे दी जाती है उसमें अंदर 4-5-6 घंटे में मुझे लगता है कि काउंटिंग होके हो जाता है। तो इस तरह वोटिंग का उसका भी रिजल्ट का भी होना चाहिए, समझ रहे हैं आप, ये हाल है। चलिए खैर छोड़िए, अगर अभी तक हुई प्रगति को खतरे में नहीं डाला है तो सीमा पर शांति कायम होना चाहिए, सीमा और संबंधों के भविष्य को अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी शक्ति से निपटने के लिए भारत को अधिक अंतर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता है, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीयता होना चाहिए जो यथार्थवाद में निहित हो और भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर आधारित हो। और एक बात याद रखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, आप पड़ोसी के यहाँ से 90-95% सामान लेने जाते हैं और आपके यहाँ से मात्र 5% वो पड़ोसी आता है, और अगर आप उसे वो सामान भी ना दें तो वो दूसरी जगह से खरीद सकता है, उसके पास विकल्प है। लेकिन आप अगर उसे एक तरह से ये सामान लेने देने की बात अगर खत्म करें तो सबसे ज्यादा घाटा कैसे होगा आपको, समझ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही सामान उससे यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग करते हैं। और याद रखिए, आपने कुछ समय पहले सुना होगा जब लद्दाख में झड़प हुई, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद बॉयकॉट चाइना की, इस तरह की कई आपने देखा है सोशल मीडिया पर, तब भी मैंने कहा था कि ये कभी सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक कि हम कोई उपलब्ध दूसरा विकल्प उपलब्ध ना कराएं। अब ठीक है, फोन का ले लीजिए आप लोग कि आज देखते हैं आप लोग सैमसंग खरीदिए, एप्पल खरीदिए, तो 20 से 20 हजार सैमसंग में 15 से 20 हजार का आएगा, वही फीचर्स वही मतलब क्वालिटी, आप देखेंगे कि चाइना का कोई भी फोन ले लीजिए रेडमी का 5 हजार में मिल जाएगा। तो आप कौन सा मोबाइल खरीदना चाहेंगे 5 हजार का? इतना हमारे पास पावर नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम पैसे से देशभक्ति दिखाएं, पैसे से देशभक्ति दिखाएं, तो हमें इसे रोकना होगा। तो हमें दूसरा एक चाइना के जो भी मोबाइल है उतनी ही रेंज में बेहतर क्वालिटी का हमें दूसरा मोबाइल उपलब्ध कराना होगा बाजार में, तब हम लोग चाइनीज सामानों को एक तरह से बाजार से बाहर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और आत्मनिर्भर बोल दिया, बोल तो सब कुछ देते हैं, बोला तो 1947 से भी जा रहा है कि गरीबी हटाओ, हटी है, तो बड़ा सोच विचार के काम करना होगा, कह देना और करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये है पूरी स्थिति, अभी आपने देख लिया है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इस बार अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो या तो आपका चाइना को संदर्भ में रखते हुए पूछा जाएगा, और हो सकता है कि चाइना और अमेरिका की जो सीधे युद्ध की स्थिति बन रही है इससे भी बन सकता है, और दूसरा कोरोना महामारी को देख ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही यही चर्चा में रहे हुए। आपने देखा है अधिकतर आर्टिकल आपके इसी से संबंधित भी आते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए लिखे जाते हैं। चलिए पढ़िए, अपने अच्छे से रहिए, और याद रखिए आप लोग दुनियादारी में मत बीता करिएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी हो हमें क्या लेना देना, अगर हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही है, हमें स्वास्थ्य उपलब्ध करा रही है, रोजगार उपलब्ध करा रही है, वही आपके लिए सही पार्टी है, ठीक है। और जिसे लगता है कि भारत खतरे में या हिंदू मुस्लिम खतरे में, कभी खतरे में नहीं है, ठीक है। अगर हिंदू खतरे में है या भारत खतरे में है तो एक तरह से हमें खुद झांक लेना चाहिए अपने अंदर कि क्या हिंदू इतने कमजोर हो गए कि अंग्रेजों के मुस्लिम कई शासक आक्रमण हुए तब हम लोग खतरे में नहीं हुए, हमारी संस्कृति खतरे में नहीं हुई, हमारा भारत खतरे में नहीं, कोई नहीं मिटा पाया। आज आप सोचिए, 2 कौड़ी का कोई हमारे भारत को आकर मिटा सकता है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। और जब याद रखिए, देश को संभाल के क्या करोगे जब भूख से लोग मरेंगे, गरीबी होगी, रोजगार नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो भारत की जो आत्मा है कि सबको साथ लेकर चलना, सबको खुशहाल देखना, अगर वो ही नहीं रहेगी तो आप सोचिए जिंदा लाश बनकर क्या करेंगे। तो जब आदमी, याद रखिए, भक्ति देशभक्ति या राष्ट्रीयता तभी दिखाता है जब वो उसके पास कुछ हो, यानी कि खुशहाल हो। वही हाल है कि मुंह के पेट भेंट
भूखे पेट भजन नहीं होती। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी। कहने का मतलब है कि आप सोचें कि भूखे बैठे हुए भजन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि होगा। संतुष्टि तो होनी चाहिए। तो सरकारें ये वादा करती हैं, सरकारों का वोट बैंक का समेटना है। आजकल आप देख रहे हैं एक बिहार के ये चुनाव है, तो इसलिए एक मुद्दा काफी न्यूज में सुबह 10 बजे से रहता है, शाम के 7 बजे तक पूरी रात चलता है लगभग। सीबीआई ने ये किया है, रिया से पूछा है, सुशांत के मामले में ये खबर आई है। आप सोचिए बेरोजगारी बिहार में, आप देखते हैं गरीबी है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, महिलाओं की स्थिति खराब है, रोजगार नहीं, बाढ़ आई हुई है कई जिलों में, आदमी भूख से मर रहे हैं, कई मौत हो चुकी है। उस पर बात करने के लिए आपने देखा है किसी मीडिया ने टाइम नहीं मिल रहा है। और हम भी बेवकूफ हैं क्योंकि हम लोग से मतलब टीआरपी के देने के लिए हम लोग देखते रहते हैं, तो वो तो वही दिखाएंगे मिर्च मसाला लगाकर जो आप देखना पसंद करेंगे, ना कि वो जो हकीकत है। मीडिया अपने जो चौथा स्तंभ कहते हैं हम लोग लोकतंत्र का, इससे बहुत दूर हट चुकी है, अपना काम भूल चुकी है, समझ रहे हैं ये हालत है। अभी रोजगार का आप देखिए, इतना मुद्दा उठा, इतने ट्वीट किए गए, किसी मीडिया वाले ने मुझे लगता है कवर नहीं किया, एक आध दो को छोड़कर, समझ रहे हैं आप लोग। अब ये भी आप देखेंगे कि रिया 10 बजे हमारे घर अपने घर से निकली, सीबीआई तक पहुंची, फिर वहां से अच्छा सीबीआई से अब दफ्तर से बाहर निकली। आप ही कोई दिखाने वाला मामला है, लेकिन हम लोग भी उसी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये देखा जा रहा है। एक करंट एक तरह से आप कहिए कि सुबह हाँ पूछ ले आपकी परीक्षा में कि रिया इस दिन कितने बजे निकली थी, हमें क्या लेना देना है। ठीक है वो सीबीआई है, सीबीआई जांच कर लेगी, जो सच होगा सामने आ जाएगा, सजा होगी, सजा मिल जाएगी। हमें अभी बात करनी चाहिए रोजगार की, हमें बात करनी चाहिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की। दुनिया जग जाहिर है भारत की स्थिति को देखते हुए कि स्वास्थ्य में हमारी कितनी खस्ता हालत है। अभी भी सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर आप देख सकते हैं कि वहां लोग एडमिट होने से बेहतर घर जाकर मरना पसंद कर रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था देखिए, हम लोग नई शिक्षा नीति ले आए हैं, अरे पुराने हम सुधार तो कर लेना चाहिए, नई सही है, उसमें बहुत कुछ है जो देश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमें उस स्थिति के साथ ढलना तो चाहिए। वही हाल है कि आपने एक फॉर्चूनर खरीद ली, उसके साथ डीजल डलवाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो फॉर्चूनर आपने एक अमाउंट देके खरीद ली, लेकिन उस लायक आपकी औकात तो होनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो मतलब एक तरह से आपको अपनी परिस्थिति देखकर हर फैसले लेना चाहिए, कोई भी फैसला हो आपकी। मैं अपनी सबकी जिंदगी के बारे में भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 रुपये है तो उसी हिसाब से फैसले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 1000 रुपये का फैसला ले लें, आपके पास है 10 रुपये, या फिर आप ऐसे फैसले लेने लगे जो मुमकिन ना हो। यूटोपिया एक शब्द आप सुनते हैं, असंभव। कुछ शब्द ऐसे भी आजकल देखते हैं सरकार लेती है जो असंभव है, समझ रहे? अभी बताया था आपको चाइनीज बॉयकॉट का कुछ ज्यादा ही आंदोलन एक तरह से खड़ा हुआ था, तो एक न्यूज चैनल वाला चिल्ला रहा था एंकर कि वो चाइनीज सामानों को बैन करना चाहिए, हटाना चाहिए। उसकी नीचे पट्टी पर आपने देखा होगा, काफी सोशल मीडिया पर भी ये वायरल भी हुआ है, तो उसमें नीचे आप सोचिए ओप्पो फोन और रेडमी का प्रचार किया जा रहा था। आप समझ रहे हैं कि मतलब जनता को बेवकूफ बना रहे हो, तुम खुद बंद नहीं कर रहे हो। वही एक बार आपने देखा होगा कि गांधी जी से किसी महिला ने कहा कि हमारा बच्चा ज्यादा गुड़ खाता है, तो गांधी जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले उस दिन। 7 दिन बाद फिर वो महिला आती है, वो फिर कहती है, तो वो कहते बेटा गुड़ खाना बंद करिए। तो उसने पूछा गांधी जी से कि आपने उस दिन ऐसा क्यों नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि उस दिन मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था, मैंने खुद सुधार किया है, उसके बाद ही हम दूसरे से बोल सकते हैं कि हाँ आप भी ये करिए। तो ये हाल देखा जा रहा है। चलिए अपना एंजॉय करिए, और हो सकता है कि आएंगी, अब इतना कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है सरकार जागी होगी, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी तो जागेगी, ठीक है, लगे रहिए अपना।